आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा मिशन है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्कोहलिक पर्सनैलिटी के बारे में। ये एक स्पेशल पर्सनैलिटी है, इसका वर्णन मैं आपको करता हूँ। देखो, आपके आजू बाजू के लोग इसमें कोई बैठते हैं क्या? तो ये क्या होता है कि ये लोग शराब, ये शराब की नशा करते हैं। इनको शराब पिए बिना होता नहीं है। एक तो लोग खुलेआम शराब पियेंगे और घर के लोगों को मालूम है कि शराब पी रहे, या फिर चुपके चुपके शराब पीते रहते हैं। इनका एक ही सेंटेंस हरदम रहता है कि नहीं, मेरे को शराब की आदत नहीं है, मैं शराब कभी कभी लेता हूँ, ऐसा वो झूठ बोलते रहते हैं। और फिर शराब मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ, ऐसा बोलते रहते। फिर रोज़ वो शाम को रात को घर में आएंगे तो झगड़े होंगे पत्नी के साथ में या घर के लोगों के साथ में। फिर झगड़ों में फिर बहुत ज़्यादा झगड़े करके फिर उसमें एक तो ये ऐसा बोलेंगे, ठीक है अभी मैं कल से पीऊँगा नहीं, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वैसा करके वो चुपचाप खाना खाएंगे सो जाएंगे। या फिर झगड़ा ही करेंगे और घर से बाहर रात को निकल जाएंगे या घर के लोगों को बाहर निकालेंगे। शराब की इतनी आदत ये लोगों को रहती है कि उनको खुद के माँ बाप ने, जिन्होंने अपने को जन्म दिया, उनको भी वो आगे पीछे बोलने के लिए कुछ कतराते नहीं है। जो पत्नी जिसने अपने साथ में शादी किया, फेरे लिए साथ और आजन्म साथ में रहेंगे ऐसा बोला हुआ है, उसको भी वो मानते नहीं है और बोलते कि ठीक है तू निकल जा, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। या अपने बच्चे जो है, जिनको अपन ने बड़ा किया है, पाला पोसा है, पैदा किया, उनके तरफ भी उनका कोई लगाव रहता नहीं है। उनको सिर्फ एक ही रहता है कि बस एक ही प्याला, एक ही ग्लास होना है मुझे और वो शराब का होना है, बाकी कुछ भी नहीं। ये बार बार झूठ बोलते रहते और झूठ बोल के घर से पैसा लेके जाएंगे, लोगों को झूठ बोलेंगे, लोगों के पास में जाएंगे, घर से यदि पैसा नहीं मिला तो कि मेरी माँ बीमार है, माँ को हॉस्पिटल में ले जाना है। ये कुछ लोग तो इतने झूठ बोलते हैं कि यार अभी मेरे पास में एक व्यक्ति को लाया था, उसने तो एक दिन में 5,000 रुपये जमा कर लिए लोगों को बोल बोल के कि मेरी माँ मर गई है और उसकी अंत्यविधि को मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने किसे 500-200 ऐसे पैसे जमा किए, 5,000 रुपये, शराब पीते रहा और बाद में फिर उसको उठा के मेरे पास में लाए। ये लोग रात में घर में खुद आते नहीं है, जिनको बहुत ही ज़्यादा नशा है वो कहीं रास्ते में गिरेंगे, वहाँ से कोई उनको उठा के लाएंगा, नाले में गिरेंगे वहाँ से उठा के लाएंगे कोई, या फिर पुलिस पकड़ के ले जाएंगे, रात भर पुलिस कस्टडी में रखेंगे और उनको लेके आएंगे। या फिर कोई बार में, रेस्टोरेंट में बैठे वहाँ बहुत पियेंगे, वहाँ धिंगाना करेंगे, वहाँ गाली गलौज करेंगे, झगड़े करेंगे और फिर वहाँ से उनको पकड़ के तो पुलिस के हवाले लोग करेंगे या उनको घर पर भेज देंगे। घर के लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी ये शराब छोड़ेगा, कभी ना कभी तो शराब छोड़ेंगे, तो अभी बोल रहा है तो शराब छोड़ेंगे। हमारे पास में जब लाते हैं उनको और वो जब फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं अभी ना इसके बाद में डेफिनेटली पीऊँगा ना, अभी मैं छोड़ता हूँ, तो घर के लोग भी फिर से विश्वास करते नहीं, अभी आज बोल रहा है ना वो छोड़ेगा, अभी वो छोड़ेगा, आज हम छुट्टी कर लेते हैं। लोग 2 दिन रुकते हैं हमारे यहाँ, 2 दिन के बाद में छुट्टी कर लेते हैं, घर पर चले जाते हैं और घर जाके फिर ये शराब पीता है। तो मैं उनको पूछता हूँ बार बार कि अभी तक इसने कितने बार कसम खाई हुई, कितने बार ऐसा आपको बोला है कि मैं शराब छोड़ूंगा? बोले अभी इसने तो बहुत बार बोला है, फिर अभी आप क्यों विश्वास कर रहे हैं, अभी उसका इलाज करो। मगर वो इलाज करने को तैयार नहीं होता, फिर हमको कभी कभी ज़बरदस्ती करनी पड़ती क्योंकि वो वायलेंट हो जाता है, अपने आप को वो जख्म कर लेता है, खुद को इंजरी कर लेता है, कहीं गिर जाता है, फिट्स आती है तो उसको होश नहीं रहता है, बेहोश है, फिर उसको ज़बरदस्ती हमको एडमिट करना पड़ता है। रिलेटिव्स तैयार नहीं रहते उनके साथ में रहने के लिए क्योंकि वो बोलते कि नहीं हमको इतनी घृणा आ गई है, ऐसा लगता है कि मर गए तो अच्छा है, हमको ये होना ही नहीं, तुम उसका जो करना हो कर लो, मतलब यहाँ तक लोग आए रहते हैं। तो मगर उनको तो रहना ही पड़ता है हमारे पास में, फिर वो हॉस्पिटल में रहते हैं, उनका इलाज हम करते हैं। जैसा मैंने बाकी वीडियोस में बोला है कि उनका शारीरिक इलाज करो जो बीमारी है, मानसिक इलाज करो, उनका इलाज करके एक बार वो एक्यूट कंडीशन जो है, सीरियस कंडीशन ठीक हो गई, उसके बाद में फिर साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऐसा सब बाद में उसका इलाज करते रहते हैं। तो ये है अल्कोहलिक पर्सनैलिटी कि जो बाकी लोगों के ऊपर शक भी करेंगी, पत्नी के ऊपर शक करेगी। पत्नी के ऊपर शक क्यों करेंगे? क्योंकि क्या होता है कि शराब पीने से उनकी सेक्स की पावर जो है, मतलब इच्छा जो है वो बढ़ जाती है, सेक्स की पावर कम हो जाती है। उनको लगता है कि मैंने सेक्स करना चाहिए, सेक्स करने गए तो सेक्स होता नहीं है, और फिर उसके लिए वो दोषी पकड़ते पत्नी को और बोलते कि इसका कहीं ना कहीं बाहर किसी के साथ में कुछ होगा, ऐसा डाउट करते हैं और इसलिए मैं उसके साथ में परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ,
और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहते, झगड़े करते रहते और डाउट करते रहते, बाकी लोगों के घर के ऊपर डाउट करते रहते कि भाई ये मेरे खिलाफ़ है, और उनका एक पर्सनैलिटी ऐसे कि लोगों को ब्लेम करना, कुछ भी हो जाएंगे जो लोगों को ब्लेम करते हैं, हरदम चिड़चिड़े रहते हैं और पैसा खर्चा करते हैं, झूठ बोलते रहते बार 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 बार, और इनके साथ में जीना बाकी लोगों को इतना असंभव हो जाता है कि लगता है कि ये मर गया तो अच्छा है। मगर घर के लोगों ने स्टैंड लेना जरूरी है। अल्कोहल एडिक्शन ये बीमारी है, अल्कोहलिज्म ये बीमारी है। कोई कारण ऐसा हो गया बचपन में कि जिसकी वजह से उसने पीना चालू कर दिया, अब उसकी वो आदत बन गई, अभी उसकी भी वो मजबूरी है, वो नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि हर शराबी आदमी को सुबह उठने के बाद में ऐसा लगता है कि अभी मैंने शराब छोड़ना चाहिए। तो हॉस्पिटल में लाने का क्षण जो है वो है सवेरे, जब वो उठता है शराब उतर जाती है तब हॉस्पिटल में लाना चाहिए। लोग रात को लाते हैं शराब पीने के बाद में, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो बोलता है मेरे को और शराब होना। तो रिलेटिव्स को ये जानना जरूरी है कि शराब छोड़ने का क्षण जो है या टाइम जो है हॉस्पिटल आने का, वो है सुबह जब वो बोलते हैं मुझे शराब छोड़ना है। हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है क्योंकि उसके ऊपर पूरा इलाज हम कर सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखना नहीं कि नहीं अभी दो दिन हो गए अभी मैं शराब छोड़ूंगा मेरे को लेके जाओ, वो भी करने का नहीं। जब इलाज पूरा करेंगे तो वो आदमी अल्कोहल फ्री जीवन जी सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।